हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है लाल मिर्ची का भरवा अचार। अभी के मौसम में तो लाल मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा आती है सर्दी के मौसम में, और आप तो आपको लाल मिर्ची का अचार देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि इस मौसम में इतने सारे वैरायटियाँ आती हैं तो लगता है कि कौन सा अचार बना लिया जाए। तो इसके लिए मैंने आज ले ली है ये लाल वाली मिर्चियाँ, और मैं आपको बताऊँगी कि मैं इस अचार को कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको ज़्यादा लंबी मिर्चें नहीं लेनी है, मतलब एक ये मीडियम साइज़ है, एक मिर्ची होती है जो इससे भी ज़्यादा लंबी होती है। तो ज़्यादा लंबी अगर हम मिर्ची ले लेते हैं तो या तो आपको उसको बीच में से कट करना पड़ता है, या आप किसी को खाने के लिए देते हैं तो वो बर्बाद ज़्यादा हो जाता है। बच्चे जैसे खाएंगे तो पूरा बर्बाद कर देंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, आपको जैसे ये मीडियम शेप में मैंने मिर्ची ली है, ये छोटी मिर्ची है, तो आप इसी तरीके से छोटी छोटी मिर्ची लें, ताकि आपका अगर जार भी छोटा रहेगा तो उसमें भरने में आपको इसको आसानी रहेगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने मिर्ची ले ली है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से धो करके, और मैं कम से कम, जैसे आप इसको जब जब भी धोएं तो धोने के बाद इसको सूती कपड़े से पोछें, और सूती कपड़े से पोछने के बाद इसको कम से कम हम 5 घंटे की धूप लगाएंगे। और अगर मौसम में भी ठंडक है तो अगर एक दिन में धूप नहीं निकल रही है तो आप कम से कम 2 या 3 दिन तक इसको धूप लगाएं। तो अब हम इसमें इसको धो करके और मैं इसमें लगाऊंगी धूप, तो अब मिलते हैं हम 5 घंटे बाद। तो अब देखिए, इसको मैंने लगा दी है 5 घंटे की धूप, और 5 घंटे की धूप थोड़ी सी धूप तेज निकली थी, तो उससे क्या हुआ कि ये अच्छी तरीके से जैसा मुझे चाहिए था उस तरीके से ये सूख चुकी है, मतलब इसमें थोड़ा पानी कम हो गया है। तो आपको कैसे अंदाज़ा लगाना है, देखिए, जब इसकी ये ऊपर वाली ये टोपी होती है, इस ये टोपी जब ऐसे हाथ से हटने लग जाए तो समझिए कि मिर्ची अब बनने के लिए तैयार हो चुकी है। तो अब हमको क्या करना है कि इसको हमको डंडी हटा देनी है। इस तरीके से हम इसकी डंडी हटा देंगे, तो इस तरीके से आप इसकी डंडी हटा दें, और उसके बाद आप इसके अंदर से इस तरीके से, इस तरीके से ये इसके अंदर से आप इसको थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, जो इसके अंदर बीज हैं वो आप खाली कर लें। तो इसको मैं दूसरे बर्तन में इस तरीके से, इसको इस तरीके से आप इसके, इससे क्या होता है कि जैसे अगर इसमें बीज रह जाते हैं या इसका जो बीज वाला हिस्सा रह जाता है तो यही मिर्ची को अधिकतर ख़राब करता है। तो देखिए, जो इस ये वाला हिस्सा हमको इसका बिल्कुल हटा लेना है, और इसको हमको कभी भी अचार में नहीं डालना होता है। उससे क्या होता है कि ये थोड़ा गीला रहता है तो इससे अचार ख़राब होने लगता है। तो आपको सावधानीपूर्वक सारी मिर्चियों में से बीज हटा लेने हैं। बीज तो हम काम में ले सकते हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा है जो मैंने अभी बीज में से हटाया है, इसको आपको बिल्कुल हटा देना है। तो इसी तरीके से हम मिर्ची को, आप चाहे तो मिर्ची में चीरा लगा करके भी मसाला भर सकते हैं, लेकिन हम ऊपर से मसाला भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं इसी तरीके से सारी मिर्चियों को खाली कर लेती हूँ। अब ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारी मिर्चियों को अच्छी तरीके से खाली कर लिया है, इस तरीके से सारा निकाल लिया है। और ये देखिए कितना सारा ये निकला है। यही मिर्ची को हमेशा, जब भी हम मिर्ची का अचार बनाते हैं तो 2-4 दिन तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद वो अचार ख़राब होने लग जाता है, एक स्मेल सी हो जाती है उसमें। तो आपको ये हमेशा, अगर आप बीच में से चीरा लगा करके अगर मिर्ची भरना चाहते हैं तो भी आपको इस तरीके से इसको हटा लेना है। आप देखिए, आप मिर्ची अंदर से कितनी ज़्यादा गीली है, और अगर ये गीला वाला पार्ट इसके अंदर रहेगा तो फिर मिर्ची ख़राब होने लग जाती है। तो मैंने ये सारा हटा लिया है। बीज को आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है, बीज को हम अचार में ही काम में लेंगे। तो चलिए, अब और मैं आगे का प्रोसेस करती हूँ। अब पैन ले लिया है, अब उसमें हम करेंगे मसाले रोस्ट। तो उसके लिए मैंने 3 चम्मच सौंफ ली है, सौंफ मैंने बड़ी वाली चम्मच से ली है, और साथ में ले लिया है मैंने इसमें 3 चम्मच ही मैंने इसमें साबुत वाली धनिया लिया है, और उसके बाद 1 चम्मच मैंने ले ली है राई, आप पीली वाली या काली वाली कोई सी भी ले सकते हैं। साथ में मैंने 1 छोटा चम्मच मेथी दाना लिया है, और 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर अजवाइन लिया है। साथ में ही मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा लिया है, जीरे से इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। साथ में 15 से 20 दाने मैंने काली मिर्च के ले लिए हैं, और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके चला लेंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल लो रहनी चाहिए, मसाले भुनने चाहिए ना कि जलने। तो इस तरीके से सारे मसाले भुन गए हैं, और अब हम इसको कर लेंगे ठंडा। अब मसाले ठंडे हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जार में डाल करके और इसको एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे, मतलब बिना पानी के आपको इसको हल्का हल्का ग्राइंड कर लेना है। अब देखिए, ये मसाले हमने इस तरीके से, थोड़ा सा आपको मोटा मोटा दरदरा ही कूटना है, जैसे पल्स मोड पर आप ऑन ऑफ करके चलाएंगे तो इस तरीके से हमको ये मसाला दरदरा सा मिल जाएगा जब हम ग्राइंडर खोलेंगे। तो
तो आपको ये जो मैंने मिर्ची के बीज लिए थे, इसी मिर्ची के बीज के अंदर आपको इसको डाल देना है। बहुत लोग इसके अंदर लहसुन भी ऐड करते हैं, अगर आप लहसुन मिलाना चाहते हैं तो आप लहसुन मिलाएं, लेकिन 8 से 10 कलियां ही लहसुन की मिलाएं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं लहसुन आज इसमें नहीं डालूंगी। तो अगर आप लहसुन डालना चाहते हैं, तो बहुत लोग लहसुन डाल के बनाते हैं, तो आप डाल सकते हैं। अब इस मसाले के अंदर हम सूखा मसाला मिलाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक मिलाया है। नमक की मात्रा आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, उससे क्या अचार ख़राब नहीं होता है। साथ ही में मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाया है, और उसके बाद मैंने 1.5 चम्मच कश्मीरी वाली लाल मिर्च मिलाई है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। साथ में 1/2 चम्मच हींग मिलाई है, और इसमें हमको अमचूर थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो मैंने इसमें 4 चम्मच अमचूर मिलाई है। तो इसी तरीके से आपको सारे मसाले मिला लेने हैं। 3 चम्मच तेल डाला है। तेल डालने से क्या होगा कि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो आप इसको हाथ की मदद से, हाथ से मिला लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि जो ये मिर्ची हमने ली है, इस मिर्ची को धीरे धीरे करके आपको इस तरीके से, आप इसको धीरे धीरे करके भर दें, या आप चम्मच की मदद से भी इसको भर सकते हैं। जैसे चम्मच से आप भरेंगे तो चम्मच से भरने में आसानी रहेगी। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके से ये पूरी भरने में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमको सारी को भर देना है। देखिए, इस तरीके से मैंने इसको भर दिया है, तो आपको ऐसे ही भरना है। अब देखिए, इस तरीके से मैंने जो भी मिर्चियाँ थी, सारी मिर्चियों को बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक मसाला डाल डाल करके भर लिया है। तो आप इसी तरीके से सारी मिर्चियों को अच्छी तरीके से भर लें, और इसको हम लगा देंगे, कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप लगाएंगे। अगर आप धूप लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं तो आप इसको डायरेक्ट, अब हम इसमें तेल भी डाल सकते हैं। तो ये आपके पसंद के ऊपर है कि अगर धूप निकल रही है मौसम में तो आप धूप लगा सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी रख देंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन धूप लगा देने से थोड़ी सी ऐसा होता है कि इसकी जो टाइमिंग है वो अच्छी बढ़ जाती है, अचार ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। तो अब धूप नहीं है तो आज हम इसमें डायरेक्ट तेल ही डालेंगे। तो अब हम कर लेंगे एक पैन के अंदर तेल गरम। देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा तेल हम गरम कर लेंगे, ताकि इसमें मिर्चियों को अच्छी तरीके से डिप करके और रख सकें। अब देखिए, तेल हमारा गरम हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आपको गरम गरम के अंदर बिल्कुल नहीं डालना है, जब तेल ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसको काम में लेना है। अब क्या करेंगे, अब हम अचार भरने की तैयारी करेंगे। तो आप अचार का जब भी बर्तन ले तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और धुला हुआ होना चाहिए, यानी कि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और बहुत लोग तो हींग का धुआं भी लगाते हैं, अगर आप हींग का धुआं लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप मर्तबान को अच्छी तरीके से धो करके और उसको धूप में सुखा लें, और उसके बाद आप इसके अंदर अचार भरें। तो अब हम अचार भरने की तैयारी करेंगे। तो मैंने कर लिया है सरसों का तेल गरम, और देखिए इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर अचार को, मिर्ची को अच्छी तरीके से डुबो देंगे। इस तरीके से आप इसके अंदर मिर्चियों को डुबोते हुए जाएं, और इस तरीके से इसके अंदर आप रखते जाएं। तो आप इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे करके, और इससे क्या होगा कि तेल इसके अंदर अच्छी तरीके से डिप होता जाएगा। इस तरीके से घुमा करके, तो धीरे धीरे करके हम इस तरीके से सारे अचार को इस मर्तबान में भर लेंगे। सारा अचार मैंने इसके अंदर भर दिया, सारी मिर्चियाँ इसके अंदर भर दी है, और जो ये तेल बचा हुआ है, इस तेल को हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। और अभी आप देखिए कि मैं सारा, जब तेल अच्छी तरीके से हमने इसके अंदर डाल दिया है, अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम 1/2 चम्मच ये मैंने काला नमक लिया है, तो काला नमक आप इसके ऊपर डाल दें। तो इससे क्या होगा कि अचार ख़राब होने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। और जैसे तो ये जो हमने काला नमक डाला है, तो ये धीरे धीरे पिघल करके और ये सारे मसालों के ऊपर अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग हो जाएगी, और हमको जब हम इसको खाएंगे तो हमको नमक का स्वाद खाने में ऊपर से ही लगने लग जाएगा। तो आप काला नमक डालना बिल्कुल ना भूलें। और ये बन करके हो गया है बिल्कुल रेडी, और इसको अब हम रख देंगे कम से कम 2 से 3 दिन तक के लिए धूप में। तो आप अच्छी तरीके से इसको धूप में रख दें, और ये बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।